क्योंकि यहाँ पर भी नए नए नशे जो हैं जिनका आपने कभी नाम भी ना सुना होगा, जो पहले जम्मू शहर में मिलते ही नहीं थे, अब वो जम्मू शहर में मिलने लगे हैं। उड़ता हुआ पंजाब, आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि नशे का क्या लेवल था। उसी तरह उसी तर्ज पर अब जम्मू भी जो है वो उड़ता हुआ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी नए नए नशे जो हैं जिनका आपने कभी नाम भी ना सुना होगा, जो पहले जम्मू शहर में मिलते ही नहीं थे, अब वो जम्मू शहर में मिलने लगे हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो पुलिस है, पुलिस विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो फेल हो रहा है, और जो नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं, नशा तस्कर हैं, वो इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मीरा साहब पुलिस स्टेशन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, और उसमें जो नशा पकड़ा गया है वो पहली बार जम्मू में देखने को मिला है, और ये ज़्यादातर जो रिच लोग हैं, अमीर लोग, वही उस नशे का इस्तेमाल करते हैं, और ये नशा ज़्यादातर मेट्रो जो शहर हैं वहाँ पर मिलता है। तो अब ये नशा जो है वो जम्मू में भी मिलने लगा है। ये खबर क्या है, ये जानकारी क्या है, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर भी देश के बड़े मेट्रो शहरों की तर्ज पर नशे के मामले में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से बड़े शहरों में पार्टियों में महंगा नशा होता है, उसी की तरह अब जम्मू में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। जम्मू जिले के मीरा साहब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 700 ग्राम मैथाकोलोन ड्रग बरामद की है। ड्रग के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये ड्रग पहली बार पकड़ी गई है। इसकी कीमत लाखों रुपए में है, और ये ज़्यादातर अमीर लोगों का नशा है। पूछताछ में यूपी और कश्मीर का लिंक भी बाहर आया है। इस पर भी पुलिस काम करने में लगी हुई है। शहर में कितने लोग इस नशे का सेवन करते हैं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है कि इस प्रकार की ड्रग बरामद हुई है। मीरा साहब थानेदार जाहिर मुश्ताक की तरफ से लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 तस्कर नशे की खेप लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से डाक बंगला के पास नाका लगाया गया। नाके पर जांच के दौरान एक वाहन को रोका गया। जब अंदर सवार 3 लोगों की तलाशी ली गई, तो उनके पास से पुलिस को कुल 700 ग्राम मैथाकोलोन ड्रग बरामद हुई, जिसके बाद तीनों को थाने में ले लिया गया। उनकी पहचान परमजीत सिंह उर्फ सन्नी निवासी सिंबल कैंप, फारूक परवान निवासी यूपी जो कि मौजूदा समय में बड़ी ब्राह्मणा में रहता है, तथा मोहम्मद सलीम निवासी बड़ी ब्राह्मणा के रूप में हुई है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों में शामिल परमजीत सिंह के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिसमें NDPPS के अलावा और भी कई मामले शामिल है। उसकी लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि नशीले पदार्थों की सप्लाई उनके पास आई थी, उसे आगे छोटे तस्करों को दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू की पूछताछ के दौरान यूपी तथा कश्मीर का लिंक बाहर आया है। पकड़े गए 3 आरोपियों में एक यूपी का है। इस प्रकार की ड्रग के बरामद होने के बाद साफ हो रहा है कि देश के बाकी बड़े शहरों की तरह प्रदेश में भी इस प्रकार के नशे की डिमांड हो रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उससे ये साफ होता है कि यूपी और कश्मीर का कोई लिंक सामने आ रहा है, और बड़े तस्कर जो है वो आगे छोटे तस्करों को ये ड्रग जो था वो सप्लाई कर रहा था। और इससे एक बात तो साफ है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये भी बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर जम्मू शहर जो है वो आगे बढ़ने लगा है।
और यहाँ पर ड्रग्स पर रोक लगाने में नाकामयाब हो रही है हमारी पुलिस। लेकिन ये कार्रवाई जो है मीरा साहब पुलिस वालों की तरफ से जो की गई है वो सराहनीय ज़रूर है, लेकिन इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार पहले भी इसके ऊपर खबरें की हैं और कई बार आपको बताया कि रात को जो पशु तस्कर हैं वो भी पशु तस्कर के तस्करी के साथ साथ नशा तस्करी को भी अंजाम देते हैं, और उन्हें अगर पकड़ने का प्रयत्न करो तो वो तो मारपीट पर आ जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से रोक लगेगी? जब हमने पहले खबरें की थी तब हमने ये भी कहा था कि बड़े तस्करों पर हाथ डालने में शायद पुलिस डिपार्टमेंट डरता है या फिर उसके पीछे कोई और कारण है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर इस पर रोक नहीं लगी, समय रहते रोक नहीं लगी, तो फिर शहर उड़ता हुआ शहर ही दिखेगा, जम्मू शहर जो है वो उड़ता हुआ ही दिखेगा। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।